पहले कि लोहरी की शाम हो जाए, मेरा वीडियो औरों की तरह आम हो जाए, आप सभी को हमारी तरफ से लोहरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी का हम स्वागत करते हैं तिल के लड्डू और अनार के लड्डू के साथ। आप सभी आइए और हमारे ब्लॉग को देखिए, आप सभी का वेलकम है। आप लोग कैसे हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हम तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे तिल के लड्डू खाते हुए और मेरा ब्लॉग देखते हुए। पूरा ब्लॉग फुल एंजॉय करिएगा। तो चलिए फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा धूप निकली, इतनी तेज़ धूप निकली थी कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत तेज़ धूप निकली थी। ऐसा लग रहा था ना, मेरे तो पसीने निकलने लगे। हम जाके अंदर बैठे थे और देखो अभी भी मैं स्वेटर नहीं पहनी हूँ, इतनी ज़्यादा धूप निकली थी। इतनी धूप तो उस दिन भागो धूप निकल आई वाले में भी नहीं निकली थी। आज जैसे जिसके बोलते हैं ना गर्मी वाले टाइम वाला धूप, उस तरह की धूप आज निकली थी। फ्रेंड्स, जैसा कि चलता आ रहा है कि मकर संक्रांति के एक दिन पहले लोहरी पड़ती है, तो जैसा कि मैंने फिर से घर की सफाई की है, थोड़ा सा लिपाई भी की है, जो मैंने एक्टिविटी की है वो आपको मैं दिखाती हूँ, उसके बाद मैं फिर आपसे मिलती हूँ। फ्रेंड्स, पहले सड़क पे मैंने पानी डाल दिया है क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा उड़ रही थी, इसके बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी। और इधर ये देखिए मम्मी गोबर से लिपाई कर रही हैं। इतना ही है, पूरा घर पक्का है, सिर्फ बाहर इतना ही कच्चा है। अभी इसमें थोड़ा कुछ काम बाकी था इसलिए ये इतना रह गया है। तो इतना रहना भी ज़रूरी है, शुभ होता है। और मम्मी बोली कि लाओ हम कर देते हैं, तो मम्मी कर रही हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर लग रहा है, गोबर से लिपाई कर दी मम्मी। देखो भाई भैया आए हैं रंग बेचने, मम्मी अच्छे करते जा रही हैं। आप लोगों ने देखा कि मम्मी लिपाई कर रही थी। लिपाई तो हम भी कर देते लेकिन वीडियो कौन बनाता, इसलिए हमने कहा आप करो, हम वीडियो बना लेंगे। और हम घर का काम भी कर रहे थे, धूप काफी तेज निकली थी।
ये इनका नाम है बंदरिया, मैंने इसको बंदरिया रखा है नाम इनका। ये देखो देखो कैसे चढ़ रही, ये पतली कहाँ कहाँ चढ़ती रहती है, बहुत मस्ती हो रही है। ये पलक है ना, ये देखो मुझे कितना चक्कर दिलवा दी, मेरे बहुत गर्मी लग रही है, उलझन बहुत ज़्यादा हो रही है, अजीब लग रहा है, पूरा घुमा दिया ना मैंने इसको, काफ़ी देर तक घुमाया था इसलिए बहुत अजीब सा लग रहा है। देखो कैसे बुला रही है इसी तक, देखो बोले दीदी। फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा कि पलक ने हमको कितना ज़्यादा घुमा दिया है। सुबह पहले मंदिर की धुलाई करी थी और बाहर मम्मी उधर लिपाई कर रही थी, हम इधर धुलाई कर रहे थे और पलक बोली चलो बुआ थोड़ा सा खेलते हैं, उसके बाद मैं थोड़ा सा खेली, उसके बाद उसने मुझे घुमा दिया इतना ज़्यादा, मेरा मन अजीब सा होने लगा था कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो अभी हम थोड़ी देर पहले लेटे थे, उसके बाद फिर बतासे खाने गए, तो अब मन अच्छा लग रहा है, तो हम सोचे अपना वीडियो का एंड भी कर देती हूँ। और वीडियो का स्टार्ट भी मैंने नहीं किया था, इसलिए नहीं किया था कि मुझे टाइम नहीं मिला था, धूप बहुत तेज़ थी तो अजीब सा लग रहा था, तो मैंने सोची कर लूँगी, बट उसके बाद उसने मुझे घुमा दिया ना, तो कि मेरा पूरा मन ही बेकार हो गया। अभी हम बतासे खा के आए हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है अब। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब में बहुत कंजूसी करते हो आप, तो बस कुछ नहीं करना, बस अपने हाथों को थोड़ा सा बस कुछ नहीं करना, बस आगे कर देना है, ऐसे ऐसे प्रेस कर देना सब्सक्राइब हो जाएगा, ऐसे 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 भी नहीं करना, ऐसे छू देना है बस लाइक हो जाएगा, और थोड़ा सा बस ऐसे ऐसे इधर उधर लिख देना है, जो आपको मन में जो वीडियो देख के जो आ रहा हो आपके मन में बस वो आपको लिख देना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। फ्रेंड्स हम लोग को कुछ मिलता नहीं, बस मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है कि हम लोग को और अच्छा करने का मन करता है, जब आप लोग जितना अच्छा कमेंट करते हो ना उतना अच्छा करने का मन करता है, इसीलिए आप लोगों से मैं बोलती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नए व्लॉग में, कल का व्लॉग बहुत ही धमाकेदार बहुत अच्छा होने वाला है। कल है मकर संक्रांति, खिचड़ी, हम खिचड़ी बोलते हैं, हम खिचड़ी बोलेंगे, मकर संक्रांति है कल, खिचड़ी है कल का। तो ये रहा मेरा सखट वाला पैसा जो मुझे मिला था 101 रुपये, तो इस पैसे का मैं क्या करूँगी वो आपको अगले व्लॉग में यानी कल वाले व्लॉग में देखने को मिलेगा। कल का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, आप लोग बिल्कुल बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, व्लॉग को देखिएगा, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को आज यहीं पर एंड करते हैं, बज रहे हैं 5 और अभी हमको नीचे जाके चाय वाय बनानी है, बहुत से काम है, वीडियो एडिट करना है, फिर पोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा पता है वीडियो एडिट करने में इतना टाइम लगता है, थंबनेल बनाने में इतना टाइम लगता है, वीडियो जब एडिट करने लगो ना तो आप लोग जो कट कट करके देखते हो ना, हम लोग अगर एक शब्द भी नहीं बोलते उसमें तो ऐसा लगता है कि हमारे वीडियो अधूरी है, ये गलत है, इसको फिर से हम बोले फिर ये करें, और आप लोग उसको कट कट करके देखते हो ना, हम लोग को बहुत मेहनत लगती है, हम लोग एक एक शब्द एक एक अपने उसको देखना पड़ता है, और आप लोग स्किप करके देखते हो, तो रिक्वेस्ट करते हैं कि स्किप करके मत देखा करिए। छोटी सी वीडियो लाती हूँ यार, इतनी बड़ी वीडियो नहीं लाती, पहले की वीडियो मेरी बड़ी रहती थी, लेकिन 2023 से तो मैं छोटी वीडियो ला रही हूँ, लॉन्ग वीडियो नहीं ला रही हूँ। अगर जिसे लॉन्ग वीडियो देखना है तो वो कमेंट करे, जिसको छोटे 2-3 मिनट का वीडियो देखना है वो कमेंट करे, तो मैं कोशिश करूँगी जिसका ज़्यादा कमेंट आएगा मैं वैसे ही वीडियो लेके आऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स बाय, मिलते हैं नए व्लॉग में, कल का व्लॉग देखना भूलना मत, मैं फिर से बोल रही हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में ना कंजूसी करोगे। बाय बाय।